हेलो गाइस, तो आज के वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है उन बंदों के लिए जो कि YouTube से क्लाइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे बंदे पूछ रहे हैं, सर क्या YouTube से भी क्लाइंट मिल सकते हैं अपन को? तो हाँ, बिल्कुल आपको YouTube से क्लाइंट मिल सकते हैं। लेकिन किन किन बंदों को YouTube से क्लाइंट मिलेंगे, पहले हम बात करते हैं। जिन बंदों का वर्क क्रिएटर से रिलेटेड है, जैसे कि वो बंदा वीडियो एडिटर है, ग्राफिक डिजाइनर है, जिनको जो थंबनेल बनाता है, उसके अलावा लोगो बनाता है वो बंदा, या फिर बैनर्स बनाता है, उसके अलावा कंटेंट राइटर है, उसकी भी नीड इसके अंदर है, स्क्रिप्ट राइटर है, उसकी भी नीड यहाँ पर पड़ती है, उसके अलावा सोशल मीडिया के अगर पोस्ट भी आप बनाते हैं तो उसकी भी नीड पड़ सकती है। क्योंकि जो क्रिएटर होते हैं वो दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एक्टिव होते हैं, वो आपको जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम भी दे सकते हैं, पोस्ट बनाने का काम भी दे सकते हैं, उसके अलावा SEO का वर्क जिसे आता है वो कर सकता है ये काम, YouTube मैनेजमेंट का काम जिसको आता है वो भी इस यहाँ से क्लाइंट ढूंढ सकता है। तो यहाँ से अगर देखें तो बहुत सारी जॉब यहाँ से आपको मिल जाएगी, तो बहुत सारे काम आपको देखने को यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन बात ये कि आपको यहाँ से क्लाइंट फाइंड आउट करना कैसे है, तो मैं आपको वही पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जहाँ से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूँ यूट्यूब के ऊपर। अब सबसे पहले आपको जाना, सबसे पहले आपको नीच सिलेक्ट करना है, किस नीच के अंदर आपको काम करना है। देखो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको क्रिएटर देखने को मिलेंगे, आपको स्पेसिफिकली उन्हीं क्रिएटर के साथ काम करना है जो कि एक नीच के अंदर हो। क्योंकि अगर आप हर क्रिएटर के साथ काम करेंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो उस टाइप का तरीका बिल्डअप नहीं होगा। अगर सपोज कीजिए आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है लाइफ कोच की नीच में, और अगर आप जाना है गेमिंग वाली नीच में लोगों को ढूंढने के लिए, तो आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे यहाँ से इजीली, लोग आपसे काम नहीं करवाएंगे। तो आपको स्पेसिफिकली एक नीच के अंदर अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है सबसे पहली बात। तो पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना नहीं आता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, आप उन वीडियो को सबसे पहले चेकआउट कर लीजिए। और रेज्यूमे भी आप बनाकर रख लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए कि अगर आप कहीं कंपनी वगैरह में अगर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप उन दो वीडियो को देख लीजिए और अपना आप जो है पोर्टफोलियो और रेज्यूमे बना लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले आपने नीच सेलेक्ट कर ली अपनी, इस नीच के अंदर आपको काम करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको जो है किन लोगों को रीच आउट करना है। तो जिन लोगों के सब्सक्राइबर 5000 से लगाकर 30,000 50,000 के आसपास है, आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को रीच आउट करना है। क्योंकि जो बड़े क्रिएटर्स होंगे उनके पास ऑलरेडी उनके वीडियो एडिटर होंगे, ग्राफिक डिजाइनर ऑलरेडी हायर कर चुके होंगे अब तक, तो आपको उनको रीच आउट नहीं करना है। आपको जिनके सब्सक्राइबर 5,000 से लेकर 10,000 50,000 जिनके सब्सक्राइबर है उनके आपको जो है रीच आउट करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, तो सपोज कीजिए अभी के लिए मैं काम कर रहा हूँ लाइफ कोच की नीच के अंदर, मैं यहाँ पर सर्च करूँगा यहाँ पर लाइफ कोच। आप अलग अलग चैनल्स को यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से, उनकी वीडियोस को देखेंगे आप, फिर आप देखेंगे किन बंदों के सब्सक्राइबर जो थोड़े कम है। तो सपोज कीजिए जैसे मैं अभी के लिए इस चैनल को उठा लेता हूँ, एक एना राज लाइफ कोच इनका नाम है, और इनके सब्सक्राइबर भी 454 है। तो अगर आप इनको रीच आउट करेंगे तो आपको मे भी काम मिले ना मिले, क्योंकि ये भी बहुत छोटे क्रिएटर हैं, तो या इनके पास अभी इतना बजट नहीं हो, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इनको अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको अप्लाई उन्हीं लोगों को करना चाहिए इनके सब्सक्राइबर कम है। तो आप यहाँ देखिए, ये है इन्फो वेन्यू, इनके 39,000 सब्सक्राइबर है, आप इनको अप्लाई करिए। देखिए, तो आप इनके इनको पोस्ट करिए इनकी वीडियो को भी, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इनकी वीडियो को पोस्ट कर दिया है, हम चलेंगे इन्फो वेन्यू के ऊपर, इनके चैनल के ऊपर, और आपको जाना है अबाउट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर बिजनेस इंक्वायरीज, आपको ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है, आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है, और सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपको इनकी ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप हर क्रिएटर की ईमेल एड्रेस से निकाल सकते हैं, आपको कुछ दिन में शायद 4 से 5 ईमेल एक दिन में निकाल सकते हैं आप इस तरीके से। तो आपको ऐसे 3-4 अकाउंट बना लेना है यूट्यूब के आपके, और 10-15 लोगों को रोज रीच आउट करना है आपको, लेकिन स्पेसिफिक नीच के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप हर काम के लिए नीच लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, आप या तो वीडियो एडिटर तो आप वीडियो एडिटिंग की जॉब के लिए आप लोगों को रीच आउट करेंगे, ग्राफिक डिजाइनर तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए लोगों को रीच आउट करेंगे, यूट्यूब मैनेजर है तो यूट्यूब मैनेजर के लिए लोगों को रीच आउट करेंगे। इस तरह से आपको लोगों को रीच आउट करना है। अब दिक्कत ये है कि आपको उनको क्या भेजना है, आपको उनको टेम्पलेट क्या भेजना है, क्या DM करना है। तो उसके लिए मैं एक आपको जो है फ्री में आपको जो है मैं आपको कोल्ड मेलिंग का एक टेम्पलेट देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इसको देख लीजिए। तो आपको बहुत सारी ईमेल्स आपको टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे कोल्ड DM करने के लिए टेम्पलेट मिल जाएंगे, जिनसे आप उनको लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर रीच आउट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो आपको इन लोगों को सिर्फ जो है इस ईमेल एड्रेस के ऊपर ही आपको रीच आउट करना है, आपको कोल्ड मेलिंग ही करना है, आपको उनके दूसरे सोशल मीडिया हैंडल देखने को मिल जाएंगे जैसे कि लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो आप यहाँ पर भी उनको रीच आउट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बंदे ईमेल एड्रेस नहीं देखते हैं बहुत सारे बंदे, तो अगर आप उनको यहाँ पर भी रीच आउट करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो हो सके तो उनको 2-3 जगह पर आप रीच आउट कर लीजिएगा इस तरीके से, और मेक श्योर करें कि आप उसमें जो अपना पोर्टफोलियो जो है जो पिन कर दें, क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो नहीं भेजेंगे तो लोग आपको रिप्लाई नहीं करेंगे वापस फिर से। तो अपना पोर्टफोलियो मेंशन उसके अंदर आप कर दीजिए, अगर उसको आपका काम पसंद आता है, उसको रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो जो है हाँ कर देगा और आपको काम पर रख लेगा, और यहाँ पर आपको मंथली बेसिस पर काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है आपको जो बंदा को एक वीडियो के लिए 2 वीडियो के लिए रखने वाला है, आपको मंथली बेसिस पर बंदा यहाँ पर रखने वाला है, तो आप यहाँ से जो है मंथली बेसिस पर लोगों के लिए काम कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही होता है, क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग बेसिस पर किसी के लिए 1-2 वीडियो के लिए काम करते हैं तो यहाँ पर आपको हर रोज क्लाइंट ढूंढना पड़ता है,
लेकिन अगर आप किसी के लिए रोक ले मंथली बेसिस पर काम कर रहे हैं तो आपको रोज वहाँ पर क्लाइंट ढूंढना नहीं पड़ता है। तो सबसे अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप लोगों को रीच आउट करेंगे। तो मैं फिर से वीडियो को समअप करता हूँ। सबसे पहले आपको अपना जो है रेज्यूमे पोर्टफोलियो रेडी कर लेना है सबसे पहले। तो उसके अलावा कोल्ड मेलिंग का टेम्पलेट मैंने आपको दे दिया है कोल्ड मेल करने के लिए। उसके बाद आपको जो है दो तीन नीश को सिलेक्ट कर लेना है, दो तीन चीज नीश के अंदर आप काम करेंगे सिर्फ। फिर आपने वीडियो एडिटिंग या फिर जिस भी फील्ड के अंदर आप हैं उन बंदों को रीच आउट करिए उनके सोशल मीडियाज के ऊपर और कोल्ड मेलिंग के थ्रू। और मैंने आपको टेम्पलेट दे दिए हैं, उन टेम्पलेट के थ्रू आप रीच आउट करिएगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई थी अभी क्लाइंट फाइंड आउट करने के लिए, आप उनको भी मेक श्योर चेकआउट करिएगा, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे क्लाइंट फाइंड आउट करने के। मैंने फेसबुक के थ्रू भी आपको क्लाइंट फाइंड आउट करना सिखाया है, लिंक्डइन के थ्रू आपको क्लाइंट फाइंड आउट करना सिखाया है। तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिए जो मैंने अभी इससे पहले बनाई है। तो आप उस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली इस तरह की वीडियो को मिस ना करें। मैं इस तरह की वीडियो यहाँ पर लाता रहता हूँ जिससे आपको जो है हेल्प मिले क्लाइंट फाइंड आउट करने में, आपको कैसे काम करना है, कैसे आपको फ्रीलांसिंग करनी है, आपको इस तरह का कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।